तो तैयार है पूरा पानीपत अपने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए। पानीपत तैयार है राम मेके रंग में रंगने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 21 तारीख को यानी कि 21 जनवरी को पानीपत शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह पर भगवान श्री राम की चित्रकारी की जा रही है, चित्र बनाए जा रहे हैं, हनुमान जी के चित्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए बकायदा सहारनपुर से एक टीम को भी बुलाया गया है जो दिन रात पेंटिंग करने में लगे हुए हैं। हालांकि बात अगर शोभा यात्रा की करें तो ये शोभा यात्रा पानीपत के स्काईलाग से होते हुए डेरा बाबा जोत सचियार गुरुद्वारा साहिब तक समाप्त होगी, लेकिन सजाया पूरे पानीपत को जा रहा है, जीटी रोड का सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पूरी लड़ियों से शहर को सजाया जा रहा है, भगवा रंग में पूरे पानीपत को रंगा जा रहा है, झंडे लगाए जा रहे हैं। जहां जहां से ये यात्रा होकर गुजरनी है वहां वहां पर इस तरह से पूरे पानीपत शहर को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंच रहे हैं और इसके अलावा सिंगर कैलाश खेर भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो देखते ही बनेगा, 21 जनवरी को शाम 4 बजे से लेकर ये यात्रा निकलेगी, एक भव्य यात्रा निकलेगी, एक भव्य नज़ारा पूरे पानीपत शहर को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये नज़ारा सभी अपने अपने फ़ोन में कैद करेंगे तो कोई इसे देखने के लिए जगह जगह से यहाँ पर आएगा। फूलों से वर्षा की जाएगी जब शोभा यात्रा यानी कि भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 21 तारीख को पानीपत में बहुत ही भव्य प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी चौक चौराहे को बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। वहीं बात करें तो हम प्रभु श्री राम की जो गाथाएं हैं वह एक चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। इस शोभा यात्रा में धार्मिक और सामाजिक सभी संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। भगवान श्री राम के जयकारे लगाए जाएंगे और इसी तरह से ये शोभा यात्रा आगे की ओर बढ़ती जाएगी। इसको लेकर पूरा पानीपत प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कलाकार पहुंचे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। दीवारों पर भगवान श्री राम की गाथाओं को इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। एक बार सुन लेते हैं जो कलाकारी करने के लिए पहुंची हैं सहारनपुर से, उनका क्या कुछ कहना है। मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूं, यूपी से, राशिद मेरा नाम है। और ये जो भव्य शो हो रहा है वहां पे अयोध्या में, उसके लिए पेंटिंग का कार्य हो रहा है। इससे जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है इसको लेकर, और हमें खुद को भी जो है बड़ा उत्साह है हमारे अंदर भी। हम जो है बड़ी उत्साह जो है काम कर रहे हैं, बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं सर। किस किस प्रकार की पेंटिंग बनाई? पेंटिंग जो है श्री राम जी की हैं और उन्हीं से रिलेटेड सभी पेंटिंग है सर। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनानी है? ये तो हमें पूरे जो है पानीपत में ही बनानी है सर, और यहाँ पे प्रोग्राम भी है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके लिए जो है बड़ा वो हो रहा है यहाँ पे। बहुत से कहते हैं हिंदू ये है, मुस्लिम ये है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि देखो बात सुनो क्या है, मैं हिंदुओं में ही रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, और 90-95% हिंदू ही हैं। अच्छा, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, किसी बात को लेके ये भी नहीं हुआ कि किसी ने कोई तंज कसा हो या मुस्लिम होने के नाते कुछ कहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा महसूस दे रहा है कि हमें इतना ये काम करने का हमें जो है सौभाग्य मिला है, और इसको हमने राम अयोध्या जैसा ही सजाने की कोशिश करी है। जितना भी हम कर सकते थे उतना हमने पूरी अपनी दिल से काम किया है ये सारा, और रामचंद्र जी को ही उकेरा गया है। रामचंद्र जी के मंदिर वगैरह है और जी रामचंद्र जी हैं और उनकी लीलाएँ उकेरने की कोशिश करी गई है सारी यहाँ पे ना। कितना अच्छा लग रहा है पानीपत में? अरे पानीपत में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। मैं ज़्यादातर हरिद्वार में आश्रमों के और ये काम करता हूँ,
पर यहाँ आके भी मुझे ऐसा ही महसूस दे रहा है जैसे मैं अयोध्या में या हरिद्वार में ही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा है। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? मेरे को 35 साल हो गए जी लगभग। तो कितनी पेंटिंगें आपने उखाड़ी हैं यहाँ पर दीवारों में? मैं ये परसों लगा था और ये करीब 50 लगभग 50 पेंटिंग है। परसों से मैंने निपटा दिया इसको, आज फाइनल कर दी है मैंने 2 दिन में। तो 21 जनवरी का और 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी के अलावा 21 जनवरी का भी पूरे पानीपत शहर को इसलिए इंतजार है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य होने वाली है क्योंकि इसमें सिंगर कैलाश खेर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पानीपत की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जो प्रभु श्री राम की जो झांकियाँ हैं वह भी आपको बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिलेंगी। तो अपील आपसे यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे सहयोगी के साथ सूरज शर्मा, पानीपत।